चित्तागढ़ वैगन्स। और चित्तागढ़ वैगन का खासियत ये है कि वो कलकत्ता की कंपनी या मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे उसका हेडक्वार्टर ये नहीं है। इसका वीकली चार्ट देखा जाए तो इसमें एक बहुत ही बेहतरीन राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। और पिछले एक महीना के अंदर देखिए कि कितना बाइंग इसमें हो रहा है। ये अपना 200 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया और अभी 9 वीक मूविंग एवरेज को सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये अगले 12 महीना में 160 से लेके 180 तक पहुँचेगा। मतलब ये अपना राउंडिंग बॉटम का जो टारगेट है 180 के आसपास उसको पूरा कर लेगा। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो एक अब मैं बोलूँगा कि इसका स्टॉप लॉस आप रखिए थोड़ा नीचे, क्योंकि इसको थोड़ा खेलने का जगह देना चाहिए। 47 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाइए ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस। और इस तरीका का पैटर्न बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, 12 महीने का वक्त दीजिए, ये ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ।